तारीख 25 अप्रैल 2015 चीख पुकार, ढहती इमारतें और 9000 लोगों की मौत। हिल गई थी धरती, कांप गई थी रूह। उन बुरे पलों को कोई याद नहीं करना चाहता, मगर शुक्रवार की रात भूकंप ने भारी तबाही मचाई। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घर तबाह हो गए। ज्यादातर लोग उस वक्त सोए हुए थे, इसलिए जान माल की ज्यादा क्षति हुई। 48 मिनट के अंदर वहां भूकंप के 4 तीव्र झटकों ने नेपाल को एक बार फिर से बर्बादी की राह पर धकेल दिया और एक बार फिर से 8 साल पहले के खौफनाक मंजर की याद दिला दी, जब नेपाल में ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिर रही थी, चीख पुकार के बीच सांसें थमती जा रही थी। इंसानी जान कुदरत के रहमो करम पर थी, खुद को बचाए या अपनों को बचाए, इसी कश्मकश के बीच जिंदगी एक एक कर खत्म होती जा रही थी। 8 साल बाद शुक्रवार को एक बार फिर से नेपाल में भूकंप के झटके आए, वो भी आधे घंटे में करीब 5 से 6 बार आए। जब धरती कांप रही थी, हर कोई दहशत में था। लोगों को 25 अप्रैल 2015 का मंजर याद आ गया। इस मनहूस तारीख को शायद ही कोई याद करना चाहता हो। 2015 में नेपाल में आए विध्वंसकारी भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास भीषण भूकंप आया। इस हादसे में लगभग 9000 लोगों की मौत हो गई और कई हजार लोग घायल भी हुए थे। पूरी दुनिया की रूह इस हादसे ने कपा दी थी। हर देश आपसी बैर मिटाकर सिर्फ नेपाल की स्थिति सुधारना चाहता था। काठमांडू और आसपास के इलाके या तो क्षतिग्रस्त हो गए या फिर पूरी तरह से नष्ट हो गए। भूकंप पूरे मध्य और पूर्वी नेपाल में, उत्तरी भारत में गंगा नदी के मैदान के अधिकांश भाग और उत्तरी पश्चिमी बांग्लादेश के साथ साथ तिब्बत के पठार और पश्चिमी भूटान के दक्षिणी भागों में महसूस किया गया था। नेपाल की धरती हिला देने वाला सबसे पहला झटका 7.8 की तीव्रता वाला था। इसके बाद 6.6 और 6.7 की तीव्रता वाले दो बड़े झटकों ने मुख्य भूकंप को नेपाल को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। इसके बाद 12 मई को काठमांडू से 76 किलोमीटर दूर 7.3 की तीव्रता का एक आफ्टर शॉक आया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1900 लोग घायल हो गए। 2015 में भी नेपाल में भूकंप के 3 झटके आए थे, जबकि शुक्रवार को भूकंप के 5 से 6 झटके आए। हालांकि इस बार भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, लेकिन इसने भी तबाही के निशान छोड़े हैं। कई मकान जमींदोज हो गए हैं। ज्यादातर लोग उस वक्त सोए हुए थे, इसलिए जान माल की ज्यादा क्षति हुई। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इस झटके से नेपाल फिर से हिल गया, जिससे 2015 का खौफनाक पल याद आ गया। शुक्रवार को नेपाल में आए इन झटकों का असर तिब्बत से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली से लेकर लखनऊ पटना तक महसूस किया गया था।